माननीय कलेक्टर महोदय, प्रधान जी, वीडियो साहब और तहसीलदार साहब और जितने भी ग्रासिया समाज के हमारी भाई बहने बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं वीडियो साहब की और बाकी लोगों की तरह आपको बधाई देता हूँ। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि समाज की ताकत जो होती है वो प्रशासन या सरकार की ताकत से कई गुना ज्यादा होती है। जब समाज किसी चीज को, किसी बुराई को या किसी विकास के कार्यों को ठान लेता है कि ये करना है, तो वो जितनी तेजी से वो विकास का बुराई को दूर किया जा सकता है, शायद प्रशासन को करने में उसको कई साल लगे। तो इसीलिए अब कितनी प्यारी लाइन है यहाँ पे महिलाओं ने जो बोर्ड ले रखे हैं कि शराब नहीं चाहिए, पुस्तकालय चाहिए, एक नारी करेगी सात पीढ़ी तरेगी। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये आप लोगों ने ये मुद्दे उठाए हैं, मुझे लगता है कि पहली बार, अन्यथा भाखड़ का जो क्षेत्र है ये हमेशा अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था कि यहाँ विकास नहीं हो सकता, और उस विकास ना होने की जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती थी वो ये कि शराब में धुन रहते हैं, विकास कैसे होगा। अब कभी हम रात को कभी रात्रि चौपाल करते थे, कुछ करते थे, तो लोग बोलते थे कि नहीं, वहाँ 4 बजे के बाद मत जाइए, 4 बजे के बाद वहाँ सब शराब पी के आएंगे। तो ये जो आप लोगों की इमेज है, ये जो लोगों के है, तो इसको बदलना है, और मुझे लगता है कि इस दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और आज कलेक्टर साहब आपके सामने आए हुए हैं, तो आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि जो जो तकलीफें, जो जो मुश्किलें आप इस शराब की बुराई की वजह से आपके घर पे हैं, वो आप साहब के सामने रखें। और सिर्फ आपके भाखड़ में नहीं, आपके पूरे देश में शराबबंदी जो है, ना जाने कितने परिवार जो है शराब की वजह से खराब हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान तो अब जो इन लोगों की तो उम्र निकल गई, जो कम से कम आने वाली पीढ़ी है, सबसे ज्यादा नुकसान उनको होता है। तो जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए या कुछ अपने अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, वो भी अपने बड़ों को देख के शराब की लाइन पर चल पड़ते हैं। तो ये आप महिलाओं ने और सब लोगों ने मिलके ये जो कदम उठाया, मैं चाहूंगा कि आप इस आंदोलन को, ये एक जन आंदोलन है, इसको आगे भी बढ़ाएं, शराब से आगे, शराब के आने के बाद शिक्षा को उठाएं। और ये जो आज एक जागृति आई है, जो मोमेंटम आया है, ये बढ़ता रहना चाहिए, और इसके लिए हमारा पूरा प्रशासन आप लोगों के साथ, जब आप कहेंगे तो साथ खड़ा है। इसलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।